अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यदि कोई शहर या राज्य अमेरिकी नागरिकों की जान और संपत्ति को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने से मना करता है तो मैं अमेरिकी मिलिट्री यानी सेना तैनात करूंगा और उनके लिए समस्या का तुरंत समाधान करूंगा। फ्लाइट की मौत के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों की आग अमेरिका के 140 शहरों तक पहुंच गई है। जॉर्ज फ्लाइट की मौत के बाद शुक्रवार की रात सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के बाहर जमा हो गए थे। प्रदर्शनकारियों के बाहर इकट्ठा होने की खबर मिलते ही व्हाइट हाउस के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अंडरग्राउंड बंकर में ले जाना पड़ा था। प्रदर्शनों का दौर रविवार और सोमवार को भी जारी रहा, जिसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि सड़कों पर जो अराजकता देखी जा रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका में एक श्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लाइट की पुलिस हिरासत में मौत और इस घटना के वीडियो वायरल होने के बाद से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस कर्मी को बर्खास्त कर उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पहले शांतिपूर्ण चल रहा प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। अमेरिका के अधिकतर शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है। इस मामले को लेकर कई जगहों में झड़प हुई और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए अमेरिका पुलिस को घुटनों के बल बैठना पड़ा।